व्यूअर्स, ब्रेन मैपिंग से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और सवाल आपके रहते हैं कि ब्रेन मैपिंग कौन लोग कराते हैं, ये क्यों कराते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इसका क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि ब्रेन मैपिंग कुछ कंसर्न में और भी की जाती है, तो उसी कंसर्न में ये जो ब्रेन मैपिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये क्यों होती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि ये जो ब्रेन मैपिंग जिसका हम आज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो ब्रेन मैपिंग है कि जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक कलर नहीं दिखाई देते। यानी ऐसे लोग जो कि कहलाते हैं कलर ब्लाइंड, या जिनको हम कलर डेफिशिएंट लोग कहते हैं, जिनको कि रेड, ग्रीन, ब्लू या दूसरे उनके शेड्स नहीं दिखाई देते। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि लोगों में कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। मुझे लगता है शायद लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि हम ही और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर या तो दिखते नहीं हैं या फिर उनके शेड्स नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को कलर ब्लाइंड कहा जाता है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब उन लोगों का किसी गवर्नमेंट जॉब में, ऐसी जॉब में जहाँ पर उनका आँखों की गहनता से जांच होती है, तो वहाँ पर अगर उनको कुछ कलर्स नहीं दिखाई देते हैं तो फिर मेडिकल में वो पता चलता है। तो मेडिकल जहाँ पर आँखों का होता है तो उसमें ये दिक्कत सामने पता चल जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पहली बार ये पता चलता है कि उनको कुछ शेड्स दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उसके बाद समस्या अब ये शुरू होती है कि जिस ड्रीम जॉब को वो पाना चाहते थे अब वो उन्हें नहीं मिला, तो कैसे वो अपने आप को एलिजिबल बनाए, कैसे सक्षम बनाए कि वो उन कलर्स को भी पहचान सकें जिनको वो नहीं देख पाए या नहीं उनके अक्षरों को पढ़ पाए। एक्चुअली ये जो जांच होती है ये होती है एक इशारा बुक होती है जिसमें 38 पेजेस होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट शेड्स भी होते हैं और कहीं कहीं पर पैटर्न्स भी बने होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इससे किसी की जांच की जाए तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही उसे पढ़वाए जाएंगे और या फिर उसमें कोई एक शेड ही दिखाया जाएगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिज़ाइंस हो सकते हैं, क्योंकि वो 38 पेज में हर वो शेप इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम आँखों को अच्छे से चेक कर पाएँ। कलर ब्लाइंड पीपल्स के लिए एक समस्या यहाँ पर भी और खड़ी हो जाती है कि जब वो अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं और जिसमें वो जाना चाहते हैं, उसमें जो मेडिकल होता है उसको वो क्वालिफाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कुछ कलर्स नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन के तौर पर जब हम ये देखते हैं कि हम कैसे उस बुक को पढ़ें जो इशारा की 38 पेजेस की बुक है, या फिर कैसे हम अपने आप को एलिजिबल बनाएं, तो उसके लिए ब्रेन मैपिंग सेंटर्स होते हैं। ब्रेन मैपिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि 2 से 3 दिन का कोर्स चलाते हैं। ये एक तरीके की आपकी एक ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिसमें वो आपको कलर्स को सही से देखने का तरीका और कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, किस तरीके के शेड को आप क्या समझ रहे हैं, इसके डिफरेंस को समझाते हैं। जैसे कि हम जो लाल कलर देखते हैं तो हमें तो लाल ही दिखता है, लेकिन जिन लोगों को वो लाल की कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको वो लाल नहीं दिखेगा, उनको वो डार्क ग्रीन टाइप का दिखेगा। तो ऐसे में अगर उनको कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसको दूसरी चीज़ से। तो उनको क्या किया जाता है इन 2 या 3 दिन के कोर्स में, जो कि इन ब्रेन मैपिंग इंस्टीट्यूट या ब्रेन मैपिंग जो सेंटर्स होते हैं उनमें उनको अलग अलग शेड्स में उनकी जो छोटी सी बारीकी होती है कि ये जो शेड आपको इस परसेंटेज में दिख रहा है, ये अगर दिखेगा तो ये कलर है। अगर आपको ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है तो ग्रीन कलर की जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं उसमें खूब अच्छे से आपको पूरे दिन में ये सिखाया जाएगा कि इस तरीके के शेड्स होंगे तो इसमें आप इसको कैसे पता कर पाएंगे, किस रेशियो में जब ये आपको दिखाई देगा तो आपको कैसे इसको बताना है कि ये रंग कौन सा है। तो इस तरीके से ये 2 से 3 दिन का कोर्स होता है और इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग इसकी फीस क्राइटेरिया रहता है और अलग अलग तरीका भी होता है। कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छे से अपडेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको बुक से या इशारा बुक से जिसमें 38 पेजेस की होती है उससे साथ ही साथ डिजिटली भी आपको वहां पर सिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि जहां पर डिजिटल टर्म का आज के समय में यूज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का चूज़ करते हैं जाने के लिए जहां पर आप ब्रेन मैपिंग अपने कराना चाहते हैं, तो उसमें जो डिजिटल ऑप्शंस जहां पर अवेलेबल हैं उनको आप ज़रूर चूज़ करें अगर आप वहां से इसको सीखना चाहते हैं।
एक कंफ्यूजन और भी है लोगों का कि कुछ जगहों पर जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं एज अ सॉल्यूशन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इंटरनेट पे या गूगल पर, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है आपको कि कलर ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट या फुल ट्रीटमेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस 100% श्योरिटी। तो वहाँ पर ये भ्रमित मत होइए कि वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, वो प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन के तौर पर वो आपको ऐसा एलिजिबल बनाएंगे कि आप कलर के डिफरेंस को समझ पाएं। तो बहुत सारे लोगों ने ये समझा है ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम पर या उनकी जो डिस्क्रिप्शन आपको गूगल पे मिलती है उसमें कि कलर ब्लाइंडनेस ट्रीटमेंट या कलर ब्लाइंडनेस सॉल्यूशन, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये हमारी आंखों का ट्रीटमेंट कर देंगे और हमें सही कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए, बल्कि उन इंस्टीट्यूट में 2 से 3 दिन का जो कोर्स चलता है उसमें मोस्टली मुझे लगता है रेजिडेंशियली कोर्स होते हैं, वो जो भी फीस लेते हैं उसमें आपको वहीं रहना है। अगर दूर से आप आते हैं तो वहाँ पर रहकर आप कर सकते हैं, अगर नज़दीक रहते हैं तो आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आप वहाँ रह सकते हैं अगर उनके पास व्यवस्था है। नहीं तो कुछ लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि आप कहीं होटल वगैरह में पास में रह लीजिए और जो क्लास का टाइम उस क्लास के टाइम पर वहाँ पर आ जाइए। तो इस तरीके से ये क्लासेस चलती हैं और इसमें अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट में होता क्या है या किस तरीके की ये लोग हमें ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जो इन इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इनके पास कुछ मटेरियल भी होता है जो आपको जो कोर्स 2 से 3 दिन का जब हो जाता है तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बुक्स वगैरह रहती हैं, जिस शायद उसमें इशारा की जो 38 प्लेट की जो बुक होती है वो भी शामिल हो सकती है। साथ ही साथ डिजिटल फॉर्म में भी कुछ मटेरियल आपको मिल सकता है CD या पेन ड्राइव में, जिसे आप अपने कंप्यूटर में लगाकर या फिर अपने मोबाइल में लगाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग ये भी कहते हैं कि हम अगर 2 दिन का आपको ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम आपके अंदर 2 दिन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके यहाँ से भेजते हैं, जिससे कि अगर आगे कभी जीवन में आपको कलर को पहचानने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से उसमें डिफरेंस को पहचान पाएँ और जो कलर का शेड आपको दिखाया जाए वो आप एक्यूरेट बता भी पाएँ। तो इस तरीके से ये एलिजिबल आपको बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ग्रीन लैटन टेस्ट के लिए भी ट्रेन किया जाता है और इसमें माना यह जाता है कि ये जो टेस्ट होता है ये उन वर्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सुरक्षा के लिए यूज़ होने वाले सिग्नल्स का सामना करते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हर एक ट्रांसपोर्ट में आप देखते होंगे कि हम जो रोड पर सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं रेड ग्रीन और ऑरेंज, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग अलग कलर्स को अलग अलग तरीके से ध्यान में रखकर सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है जो सिग्नल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे टेस्ट में क्या किया जाता है कि डिजिटली या फिर वहाँ पर लाइट का यूज़ करके आपको विजिबली उसके लिए एलिजिबल बनाया जाता है, जिससे आप उनके डिफरेंस को अच्छे से समझ पाएँ और उनके डिफरेंस को समझकर कभी अगर आगे भविष्य में ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप उन सिग्नल्स को भी सही से पहचान पाएँ कि वहाँ पर कौन सा कलर दिखाई दे रहा है जिसमें हम जिसको हम देखकर अपने आप की खुद की सुरक्षा कर पाएँ। और हो सकता है अगर आप कहीं वर्कर हैं तो उसमें फिर ये तो एक मैटर ऐसा हो गया कि जिसमें मेडिकली पहले आपको वहाँ से मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए ही उसके बाद ही फिर आप वहाँ पर जा पाएंगे। लेकिन पर्सनल लेवल पर भी अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर अगर हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है और वहाँ पर ग्रीन येलो या रेड है, तो कम से कम अगर हमने ऐसी ट्रेनिंग ले रखी है तो हमें ये तो पता चलेगा कि ना कि वहाँ पर कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भी D15 टेस्ट भी एक और होता है और ये टेस्ट वो होता है जिसमें कि ऐसे 15 शेड जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उन लोगों को जिनको कि कलर्स के शेड्स देखने में या पहचानने में दिक्कत आती है, तो ये भी वहाँ पर सिखाया जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है जिसमें आप कलर ब्लाइंड हैं, कलर डेफिशिएंट हैं, आपको कलर पहचानने में दिक्कत है, तो इसके सॉल्यूशन के तौर पर ऐसे सेंटर्स हैं जिनको ब्रेन मैपिंग सेंटर्स कहते हैं, जो भारत में हर जगह हैं।
आप उन्हें गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उनका फीस क्राइटेरिया आप ज़रूर क्रॉस चेक करें। जिस भी सेंटर से कॉन्टैक्ट करें वहाँ पर उनका फ़ीस क्राइटेरिया पूछें, फिर दूसरे सेंटर को कॉन्टैक्ट करें वहाँ का फ़ीस क्राइटेरिया, उनकी फैसिलिटी पूछें और क्या क्या वो इस दो दिन में तीन दिन में आपको सिखाएंगे इसके बारे में भी पता करें। जहाँ पर आपको बेटर लगे, जहाँ पर फ़ीस क्राइटेरिया कम हो वहाँ पर आप एडमिशन लें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी कितनी फ़ीस है किस सेंटर में, तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम ये फीस बढ़ती रहती है, घटती रहती है, डिपेंड करती है उन इंस्टीट्यूट पर या सेंटर्स पर कि वो किस हिसाब से आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, कैसे वो वहाँ पर उसको फीस का क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो ये मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप एक दो सेंटर में कॉन्टैक्ट करेंगे वहाँ से, तो वो खुद बताएंगे कि हमारा पैकेज इतने का है इतने का है। तो आई थिंक सो कि आपको वहाँ पर खुद कॉन्टैक्ट करके इसको पता करना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके की कोई समस्या आपको आपको है या आपकी फैमिली में किसी को है, तो ये जो नाम आपको दिखता है गूगल पर कि ब्रेन मैपिंग ट्रीटमेंट या फिर सोल्यूशन, तो उसमें उसका मतलब ये है कि वो आपको दो दिन में कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे कि आप कलर के शेड्स देखने में सक्षम बने। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद हैं, आप इनको देखते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो इसका फीडबैक भी आप हमें दिया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको देने के लिए अभी आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें एक लाइक बटन आप दबा सकते हैं, दूसरा हमें कमेंट भी कर सकते हैं जिससे हमें पता चले। अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप देखते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप नीचे जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उसे दबाकर इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।